हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक्स रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेबल होते हैं हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 24.65 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 3.56% का फॉल देखने को मिल रहा है और चार्ट के ऊपर एक परफेक्ट हैमर नजर आ रहा है। यहाँ के हैमर से कुछ हमें समझना चाहिए नहीं, इंडिया विक्स के हैमर से कुछ ऐसा कोई टेक्निकल पैटर्न वगैरह निकालने की कोशिश नहीं होगी, बट ये जो जिस तरह का कैंडल देखने को मिल रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिन के अंदर में लोअर लेवल के आसपास आए थे पर सस्टेन नहीं कर पाए हैं। सो वोलेटाइलाइजेशन देखने को हमें दिन के अंदर में मिला हुआ है। निफ्टी की बात करें तो लगभग 14,956 के आसपास के क्लोजिंग देते हुए मिल रहा है। बैंक निफ्टी 35,275 के आसपास में क्लोज करता हुआ मिल रहा है। पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और अगर आप निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी की फ्यूचर के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में प्रीमियम देखने को अच्छा खासा, लेट्स से 90 पॉइंट्स के आसपास में मिल रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर में प्रीमियम काफ़ी कम है फिलहाल। सो एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, जिस तरह से ग्लोबल संकेत आ रहे थे मॉर्निंग के अंदर में, डेफिनेटली ऐसा था कि मार्केट ऊपर जाके जाना चाहिए, गया भी पर सस्टेन नहीं कर पाया है। आज भी ग्लोबल संकेत फिलहाल के टाइम पर ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, और अगर रात भर में ये ग्लोबल संकेत वैसे टिकते हुए नजर आए तो कल तो कम से कम एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। सो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और क्या ये जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं उसी हिसाब से डेरिवेटिव डेटा भी काम कर रहे हैं क्या, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, डेरिवेटिव डेटा में FII की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 53.77% के आसपास में आ गई। आप इसको ऐसा समझ के चलिए, जब भी आप 54, 58, 60, ये मैक्सिमम 55% के आसपास आप मान के चल सकते हैं, 55% के आसपास में आते हैं, तब से एक जितना हम नीचे जाते हैं एक रिबन के जैसा खींचता है वो। सो लेट्स से आप 53% के आसपास में गए, देन आप 50% के आसपास से गए, देन आप 45% के आसपास में गए, आप जितना इस रिबन को खींचेंगे उतना स्पीड में बाउंस बैक होता है। सो 53.77% के आसपास में है। क्या इसे नेगेटिव माना जाना चाहिए? नेगेटिव यस माना जाना चाहिए, क्योंकि FII अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये जितना कम करेंगे, कम कर करके 30% तो लेके जाएंगे नहीं, 40% अक्टूबर में लेके गए थे शायद, फिर से उस वैसा माहौल है नहीं कि वैसा हो, तो कितना कम करेंगे, यहाँ से 6-7% और, या यहीं से बाउंस बैक आ जाना चाहिए क्योंकि ग्लोबल संकेत बहुत पॉजिटिव है। तो 53.77 पे है, आज के दिन के लिए नेगेटिव है, पर कल के दिन में मैं इसे थोड़ा सा न्यूट्रल लेके चलूंगा, मैं इसे नेगेटिव नहीं मानूंगा, इसे न्यूट्रल लेके चलूंगा, क्योंकि अब बाइंग आ जानी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। ग्राफ में देख ही सकते हैं हम लोग की कंटिन्यूसली इट इज गोइंग डाउन। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में 858 करोड़ रुपीज़ का इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बिकवाली किया गया, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 113 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की गई है।
बहुत ज़्यादा बड़े फिगर नहीं है, दोनों मिला भी लें तो 1000 करोड़ के ऊपर नहीं जाता है। सो इवन दिस इज़ फ्रॉम द न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड, इसे आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स में अभी भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इंडेक्स के अंदर में कभी थोड़ा सा बाइंग का अपॉर्चुनिटी आ जाता है, कभी बाइंग अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन उसका अल्टरनेट डेज आपको सेल देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर में अगर बात करें तो 1487 की करोड़ की बिकवाली के बाद थमते हुए नजर आए 297, और आज उससे कम आ रहे 113 करोड़। सो ओवरऑल 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, तो इसे हम न्यूट्रल से निगेटिव मान के चल रहे हैं। और कल का डेटा डेफिनेटली देखना इंपॉर्टेंट होगा, कल लेट से कल का और परसों का, परसों यानी वेडनेसडे को एक्सपायरी होनी है इस सीरीज की, तो डेफिनेटली देखते हैं किस तरह का वहां से मौका बनता हुआ निकल के आता है। कैश सेगमेंट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये एक निगेटिव फिगर है, और 1000 करोड़ का इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में बिकवाली के बाद में लगभग 1500 करोड़ की बिकवाली यहाँ पे होना, ये कहीं ना कहीं FII को तो निगेटिव बना के चल रहा है। और ये फर्स्ट डे नहीं आ रहा, 3 दिन से कंटिन्यूसली निगेटिव फिगर आ रहा है, 2 छोटा आया था पर नेगेटिव फिगर तो आया था। DII न्यूट्रल है फिलहाल, मैं इसे नेगेटिव नहीं मानूंगा और ना ही मैं इसे पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। रीजन बीइंग, एक दिन के नंबर से ज़्यादा कुछ एक्साइटेड या ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। सो नेगेटिव FII नेगेटिव देखने को मिल रहा है, DII न्यूट्रल पोजिशन पर देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो आपका 1.06% आ गया है 1.16 से घट के। सो ये अगर 0.95 के आसपास में मिल जाए, या मैं बोलता हूँ अगर 1 के आसपास में मिल जाए तो एक बार लॉन्ग बना लेना चाहिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा मार्केट के अंदर में। सो एक बार रिस्क लेने लायक बनता भी है ये। सो निफ्टी ऑन द बेसिस ऑफ पुट कॉल रेशियो में एक बार लॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कैश सेगमेंट डेफिनेटली उसका वहां पे काम नहीं है, लेकिन ये मूड यहां पे सेट करता है। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा एक बार अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ओवरऑल अगर मैं डेरिवेटिव डेटा का पूरा फिगर देखूँ, नंबर्स देखूँ, आगे समझने की कोशिश करो, तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इंडिया विक्स जो है अब न्यूट्रल जोन में है, निगेटिव नहीं है। एट द सेम टाइम FII की जो लॉन्ग पोजिशन है वो एक ऐसे लेवल पर आ गई जहाँ से एक बार बाउंस बनता है। तो अगर आप इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में देखें और स्टॉक फ्यूचर के अंदर में देखें तो ज़्यादा नहीं, 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की गई है। एंड अगर मैं कैश सेगमेंट में देखूँ तो वहाँ से मुझे नेगेटिव इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो कहीं ना कहीं लॉन्ग बनाने के लिए ठीक ठाक है। सो ओवरऑल एक मिक्स संकेत आ रहा है। अगर इसे मिक्स से बोलते हैं ना, कुएं के पास में खड़ा है, अगर उसे धक्का मारना है तो कुछ एक एक्स्ट्रा न्यूज़ की जरूरत पड़ेगी, और जो फिलहाल ग्लोबल मार्केट से आते हुए नजर आ रहे हैं, इसके चलते हुए मुझे लग रहा है कल का ट्रेडिंग सेशन आपको पॉजिटिव दिखना चाहिए। पॉजिटिव आई मीन जैसे 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन निफ्टी में, और 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में एक बार होनी चाहिए। नाउ अगर डिस्कस करें आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड लिया, सो दोस्तों आज के दिन में ट्रेड जो लिया हुआ था वो निफ्टी का 15,100 का कॉल ऑप्शन लिया था, 118 के आसपास की बाइंग थी एंड 142 के ऊपर में स्क्वायर ऑफ किया। सो ये जो स्क्वायर ऑफ हमने किया बेसिकली ये गलती से मैसेज जो है YouTube के जो मेंबर्स थे उनको नहीं पहुंचा हुआ है, इसके लिए मैंने सेम पोजीशन एक ओपन रखी हुई है। नाउ अभी वो 70 के आसपास में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में गया है, इसे हमने क्लोज नहीं करवाया। लेकिन जो WhatsApp के थ्रू मेंबरशिप है, जिनका वेबसाइट के थ्रू मेंबरशिप है, उनसे क्लोजिंग करवा दिया ऑलरेडी, वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। सो अगर आपको दो ट्रेड दिख रहा है, दो ट्रेड दिखने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब के जो मेंबर्स थे उनसे क्लोजिंग के लिए कम्युनिकेशन नहीं हो पाई थी। सो बेसिकली दोस्त, अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो SMS कर सकते हैं, ताकि ये ट्रेड्स मेरी टीम आपके मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे पहुंचाने की या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे पहुंचाने की कोशिश कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में अभी भी बाउंस बैक की चांसेस है, या और अगर नहीं है तो फॉल कितना गहरा सकता है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का भी थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। नाउ निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी एक लेवल जो आज के दिन में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है वो लेवल है लगभग 14,915 का। क्या हम बार बार 14,915 के आसपास में गए? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 915 में तो हम लास्ट के आसपास में जाते हुए नजर आए, जहां से ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट आप बोले 40 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी हुई है, लेकिन लेवल सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है 14,900 का।
कल के हाई को हमने तोड़ा हुआ है और आज के कल के लो को हमने नहीं तोड़ा है, यानी हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाते हुए नजर आए, जो कि एक पॉजिटिव माना जाना चाहिए। जिस तरह का ग्लोबल संकेत था, एक बार पॉजिटिव क्लोजिंग हो जानी चाहिए थी, 10-12 पॉइंट की नहीं, मैं 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। इन लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग मिलती तो ज़्यादा बेहतरीन होता। अब क्या करना चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन है डेफिनेटली इसे बॉडी ने तोड़ा हुआ है तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, पर लगभग उसी के आसपास सपोर्ट लेते हुए हम नज़र भी आ रहे हैं। सो अगर किसी भी रीजन की वजह से 14,915 के आसपास में मिलता है तो बाइंग बनती है और मेरे लिए जो स्टॉप लॉस का काम करेगा वो रहेगा 14,850 और लेट्स मेक इट 14,840 जो रहेगा वो, लेट मी राइट इट वंस अगेन, 14,840 जो रहेगा ये स्टॉप लॉस का मेरे लिए काम करेगा। अगर 14,915 के आसपास में मैं बाय करता तो मेरा टारगेट क्या बनेगा, मेरा टारगेट पहला टारगेट जो बनेगा वो डेफिनेटली वो 15,000 प्लस का बनेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 15,000 के ऊपर जावे एक बार। अगर 15,067 के यानी 15,070 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 15,178 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। सो पहला टारगेट यहाँ से क्या होगा, पहला टारगेट यहाँ से 15,000 के आसपास होगा। सेकंड टारगेट क्या बनेगा, सेकंड टारगेट बनेगा 15,067 के एंड थर्ड टारगेट बनेगा 15,178 का। अगर मार्केट के अंदर में अगर ऊपर का मूव देखने को मिला ग्लोबल जो भी इंडिकेशन है उसके वजह से और कहीं आप 15,250 के आसपास में काम कर रहे हैं तो शॉर्ट क्रिएट करिए, और शॉर्ट क्रिएट करेंगे तो आपके लिए टारगेट 15,178, 15,067 और 15K का बनेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखेंगे और वो स्ट्रॉन्ग होगा 15,320 के आसपास का। तो 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। अगर डेली कैंडल के ऊपर में देखेंगे तो डेली कैंडल में फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन पॉजिटिव चीज़ें जो यहाँ से समझ में आनी चाहिए कि मार्केट ने आज जो कैंडल बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिकल है कल के जैसा, एग्जैक्टली कैंडल बना हुआ है, हायर हाई हायर लो है जो कि पॉजिटिव माना जाता है। एट द सेम टाइम एक जो निगेटिव यहाँ से नजर आ रहा है, निगेटिव ये है कि क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल नहीं रहा है 15,000 के ऊपर में एंड 15,063 दोनों दिन इसे ब्रेक किया है पर क्लोज नहीं कर पा रहा है। सो एक क्लोज, जैसा मैं बोल रहा हूँ, एक क्लोज अगर आपको 15,000 के ऊपर मिल जाएगा तो ये दोनों कैंडल्स की वैल्यू खत्म होगी और फिर उसके बाद में आप अप मूव चालू कर सकते हैं, निफ्टी के अंदर में देख सकते हैं। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के ऊपर में थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है कि कल के दिन में शायद आपको पॉजिटिव 15,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल जाए। ओवरऑल दिन वोलाटाइल था, इसके लिए आपको बार बार ऊपर नीचे के लेवल्स कंटिन्यूसली मिलते हुए नजर आ रहे थे एंड लास्ट में जाके हमने लोअर लेवल पे एंडिंग कर दी हुई है। नाउ ऑप्शन चेन अगर देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग देखिए कहाँ पे हुई हमारी, 14,956 के आसपास में। सो हमारा 14,950, लेट्स टेक 14,950 टुडे एज एट द मनी वो होगा। सो लेट मी मार्क इट फर्स्ट 14,950 एंड वहाँ पे पोजीशन क्या है, वहाँ पे पोजीशन 5,000 एंड 6,000 लॉट की है। पहले बिना इसके ऊपर कुछ ड्रॉ किए पहले एक चीज़ समझ लीजिए, आपको क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 चारों क्वाड्रेंट के अंदर में आपको सेल देखने को मिल रहा है, राइटिंग देखने को मिल रही है, प्रीमियम डीके दबा के हुआ है आज के दिन में। अब पोजीशन कहाँ पे बनी हुई है, 15,000 पे अगर देखेंगे तो 39,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 15,000 पे कॉल साइड के अंदर में, और 44,000 15,300 पे, 45,578 15,100 पे एंड 41,575 15,200 एंड वेट, दिस इज नॉट द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 55,623 का 15,500 पे बना हुआ है। यानी हर एक 100 पॉइंट के ऊपर में आपको प्रेशर देखने को मिलने वाला है निफ्टी के अंदर में, उतना तो तय है। 15,000 पे जाइए, 15,100 पे जाइए, 15,150 पे जाइए, उसके ऊपर आपको प्रेशर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर 15,300 आप क्रॉस कर देते हैं तो एक बार 15,500 बनेगा। क्या इस वीक के अंदर इस एक्सपायरी में 15,500 चांसेस रेयर है, रेयर मतलब 80% चांस है कि नहीं 15,500 तो इस वीक के अंदर नहीं आएगा। अब पुट साइड अगर आप देखते हैं तो क्या पुट साइड में आपको कुछ ऐसा हैवी भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट 40 प्लस देखने को मिल रहा है क्या, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है 14,500 पे 33,000 का देखने को मिल रहा है, और 14,000 पे एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं 14,000 पे भी कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे बना है एंड 14,900 पे, 14,800 पे एंड 14,700 पे ठीक ठाक हो, इवन 14,600 भी काउंट कर ले तो ठीक ठाक सपोर्ट है। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव राइटिंग नहीं हुई है यहाँ पे, एग्रेसिव राइटिंग आपको देखने को मिलेगी कहाँ, 15,100 पे, एग्रेसिव राइटिंग आपको 15,300, 15,200 पे, यानी कॉल साइड में एग्रेसिव राइटिंग देखने को मिल रहा है
पुट साइड में नहीं देखने को मिल रहा है, जो बुल्स के लिए एक अच्छा न्यूज नहीं है। अब हो क्या सकता है, मान के चलिए जिस तरह से डाउ फ्यूचर ऊपर काम कर रहा है, अगर मार्केट कल 15,100 के ऊपर यानी लगभग 150 पॉइंट अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो आपके लिए शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स बहुत दिखेंगे, तब आप एक बार 15,200 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, तो डेफिनेटली कॉल राइटर्स एक बार फिर से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, 14,850 तक मार्केट जा सकता है इन दैट केस। सो रेंज क्या हो सकती है, रेंज फिलहाल के टाइम पे जो नजर में आ रही है वो 14, मुझे लग रहा है 14,800 से 15,200 ऊपर साइड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट कॉलिंग मिली तो शायद मिलते हुए नजर आ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और साथ में आपने प्लेटिनम बेनिफिट का भी मजा ले रहे होंगे, होप आने वाला वीक आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।